गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लेसन 3 द सेवियर में बुक एक्सरसाइज कर रहे थे और पेज नंबर 26 पर आए हैं। यहाँ पर रीड करती हूँ। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। इसमें फर्स्ट सेंटेंस है, दिस बॉय इज़ द कैप्टन ऑफ द टीम। और नेक्स्ट है, ऑल अदर बॉयज आर द टीम मेंबर्स। अगर यहाँ पर दिस बॉय यानी कि एक लड़का है, यह लड़का है, तो इस लगाया गया है और ऑल अदर बॉयज सभी दूसरे लड़के यानी कि ज़्यादा हैं, तो इसके साथ आर लगाया गया है। एज यू सी द सब्जेक्ट इन सेंटेंस फर्स्ट, दिस बॉय इज सिंगुलर एंड देयर फोर द वर्ब इज दैट गोज विद इट इज सिंगुलर। अगर दिस बॉय सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज आया है। इन सेंटेंस टू द सब्जेक्ट ऑल अदर बॉयज इज प्लूरल, ऑल अदर बॉयज प्लूरल है तो इसके साथ आर आया है। चेंज सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू प्लूरल फॉर्म एंड री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग सुटेबल चेंजेस। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक वाक्य हमारे लिए किया है। तो द टीचर इज टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स, द टीचर इज, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया, टीचर, एक टीचर है, एक अध्यापक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इज लगाया है। और इसके आंसर में द टीचर्स आर, ये प्लूरल कर दिया तो आर भी प्लूरल ही आएगा। नेक्स्ट, ए गर्ल इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। यहाँ पर जिस चीज़ में, जिस वर्ड में चेंज करना है उसको मैंने ब्लू पेन से लिखा है और बाकी जो सेंटेंस है सेम एज इट इज लिखना है, वैसे के वैसे लिखना है, वो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है। यहाँ पर देखिए, स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये ऐसे कैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने चेंज किया है। ए गर्ल की जगह हम क्या लिखेंगे, गर्ल्स, और इसकी जगह फिर प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर। ऐसे ही द शॉपकीपर हैज़ सोल्ड द टॉफीज, तो यहाँ पर सोल्ड द टॉफीज मैंने ब्लैक पेन से लिखा है क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, और शॉपकीपर के साथ एस लगाकर इसका प्लूरल बनाया है, और प्लूरल के साथ हैज़ की जगह क्या आ जाएगा, हैव। तो सेंटेंस बन गया, द शॉपकीपर्स हैव सोल्ड द टॉफीज। नेक्स्ट है, ए लीफ वॉज फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, तो ए लीफ की जगह क्या आ जाएगा, लीव्स, क्या आ जाएगा, लीव्स, और प्लूरल के साथ वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर। और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, और सेंटेंस बन गया, लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट है, काओ गिव्स अस मिल्क, काओ है, काओ का प्लूरल क्या होगा, काउस, क्या होगा, काउस, और यहाँ पर सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब में, लेकिन प्लूरल के साथ खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर मैंने गिव लिखा है, और अस मिल्क ऐसे कैसे, तो सेंटेंस बन गया, काउस गिव अस मिल्क, cows give us milk. Next है, the baby is playing with the toys. The baby है, एक baby है, तो इसका plural क्या होगा, babies. Y को हटाकर IES लगाएंगे, Y को हटाकर IES लगाएंगे, तो spelling क्या बन गई babies की, BABIES, babies, और यहाँ पर प्लूरल नाउन हो गया तो इसकी जगह क्या आएगा, आर। बाकी सेंटेंस, प्लेइंग विद द टॉयज, ऐसे कैसे, प्लेइंग विद द टॉयज, द बेबीज आर प्लेइंग विद द टॉयज। नेक्स्ट है, ए बॉय इज रनिंग इन द प्लेग्राउंड, ए बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या होगा, बॉयज, ऐसे लगाएंगे, और इसकी जगह फिर क्या आ जाएगा, आर।
और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे, रनिंग इन द प्ले ग्राउंड, तो बॉयज आर रनिंग इन द प्ले ग्राउंड, बॉयज आर रनिंग इन द प्ले ग्राउंड. नेक्स्ट है द फ्लाई इज ट्रबलिंग हिम, द फ्लाई है यहाँ पर फिर से जैसे हमने बेबी का बनाया था वैसे ही फ्लाई का बनाएंगे प्लूरल, वाई हटाकर क्या लगाएंगे आई ई एस, तो स्पेलिंग हो गई एफ एल आई ई एस फ्लाइज, और प्लूरल के साथ क्या आएगा आर, द फ्लाइज आर ट्रबलिंग हिम, द फ्लाइज आर ट्रबलिंग हिम. नेक्स्ट है द पैसेंजर इज वेटिंग फॉर द बस, द पैसेंजर है, पैसेंजर का प्लूरल क्या होगा पैसेंजर्स ऐसे लगा देंगे, और प्लूरल नाउन के साथ है क्या आएगा इसकी जगह आर, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस, ये ऐसे कैसे लिखा है लास्ट वाला, द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस. नेक्स्ट है ए वूमेन इज वर्किंग इन द फील्ड, वूमेन दी गई है यहाँ पर तो वूमेन का प्लूरल क्या होता है विमेन, वूमेन का प्लूरल क्या होता है विमेन, डब्ल्यू ओ एम ई एन वूमेन, तो प्लूरल के साथ क्या आएगा इसकी जगह आर, क्या आएगा आर. वर्किंग इन द फील्ड ऐसे कैसे लिख देंगे, वर्किंग इन द फील्ड. आपको वीडियो कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए. फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यहाँ पर देयर इज और देयर आर का यूज करना सिखाया गया है. अगर सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे देयर इज, और प्लूरल नाउन है तो क्या लगाएंगे देयर आर. ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ए ब्रिज है तो यहाँ से ए ब्रिज से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर नाउन है, एक पुल, तो इसके लिए क्या लगाया है देयर इज. नेक्स्ट सेंटेंस में है एट काउस, एट काउस यानी कि आठ गायें, ज़्यादा है एक से ज़्यादा है तो इसके लिए क्या यूज़ किया गया है देयर आर. यहाँ पर है ए होल, एक छेद, तो एक छेद है तो इसके लिए सिंगुलर नाउन के लिए क्या आएगा देयर इज. ए लाइब्रेरी, यहाँ भी सिंगुलर नाउन है तो क्या यूज़ करेंगे देयर इज. नेक्स्ट में है 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के लिए क्या यूज़ करेंगे देयर आर. नेक्स्ट है टू बेडरूम्स, टू बेडरूम्स प्लूरल नाउन है तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे देयर आर. तो अब हमें खुद करने के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. एज यू सी वी यूज देयर इज और आर टू से द समथिंग एग्जिस्ट, वी यूज देयर इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और देयर आर विद प्लूरल सब्जेक्ट. जैसा कि मैंने बताया देयर इज किसके साथ यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और देयर आर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ. फिल इन द ब्लैंक्स विद देयर इज और देयर आर, जहाँ भी सिंगुलर नाउन होगा वहाँ पर हम देयर इज लिखेंगे और जहाँ पर प्लूरल नाउन होगा वहाँ पर हम देयर आर लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज अ टेबल इन द क्लासरूम, ए टेबल दिया गया था तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देयर इज. यहाँ पर थ्री चेयर्स दिया गया है यानी कि प्लूरल नाउन है तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है देयर आर. नेक्स्ट है ए बकेट, ए बकेट यानी कि एक बाल्टी, सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए क्या आएगा देयर इज. मैनी पीपल, कई लोग, मैनी पीपल कई लोग यानी कि प्लूरल नाउन है तो इसके लिए क्या आएगा देयर आर. नेक्स्ट है ए ग्लास ऑफ मिल्क, एक गिलास है तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या आएगा देयर इज. सम बनानास, कुछ केले, तो ये प्लूरल नाउन है देयर आर.
प्लूरल नाउन के लिए क्या आएगा, देयर आर। तो ये सेंटेंस आपको एक बार लिखकर और बार बार बोल के याद करने हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस पता चलेगा, और इनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर टिक करना है। फर्स्ट इज द रूम, डैश इज और आर एम्प्टी। द रूम है, रूम यानी कि एक कमरा, सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा, इज। वी के साथ हमेशा आर आता है, वी के साथ क्या आता है, आर। वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई लाइक टू ईट दिस केक, आई लाइक टू ईट दिस केक। नेक्स्ट है वी, ऊपर मैंने बताया सेकंड सेंटेंस में वी के साथ हमेशा क्या आता है, आर। वी आर गोइंग टू सी अ फिल्म टुडे। नेक्स्ट है द साइकिल नीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया गया है, सिंगुलर नाउन के साथ, द साइकिल नीड्स रिपेयर्स। नेक्स्ट है द मैन इन द लाइब्रेरी, द मैन है यहाँ पर यानी कि एक आदमी, तो सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा, वेरी हेल्पफुल। सेवन्थ है वी गो, वी प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फोर वॉक एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है दे आर, दे के साथ हमेशा क्या आता है, आर। पेंटिंग द वॉल्स, दे आर पेंटिंग द वॉल्स। एक बार फिर से सेंटेंस रीड करती हूँ, द रूम इज एम्प्टी, वी आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, आई लाइक टू ईट दिस केक, we are going to see a film today, the cycle needs repairs, the man in the library is very helpful, we go for walk every morning, they are painting the walls. Next question mein hai, complete the following sentences by filling in suitable subjects. yahan par hame subject fill karne hai. फर्स्ट है डैश आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पर हम अपनी मर्जी से फिल कर सकते हैं जो भी यहाँ पर सुटेबल हो। मैंने यहाँ पर दे लिखा है, दे आर प्लेइंग हॉकी, यहाँ पर हम वी भी लिख सकते हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी। यहाँ पर नेक्स्ट है डैश इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, He is a very hard working boy. Next है Dash is looking after the patients. तो मैंने यहाँ पर लिखा है राम, राम is looking after the patient. Next है Dash goes for a walk every day. He goes for a walk every day. Next Dash have lost my watch. यहाँ पर my है तो मैंने यहाँ पर आई लिखा है, आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लॉस्ट माई वॉच। नेक्स्ट है डैश वॉज वॉचिंग टी वी एट 5 PM यस्टरडे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर शी लिखा है। सेंटेंस को एक बार फिर से रीड करती हूँ, दे आर प्लेइंग हॉकी, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, राम इज़ लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, He goes for a walk every day. I have lost my watch. She was watching TV at 5 PM yesterday. Listen to the poem and fill in the blanks. ये आपको poem दे रखी है। Beautiful birds. There are some beautiful birds that fly. They fly in the lovely bright sky. For food they wander here and there, but they find the food with care. When they see the hunter, they get a shock. After that they fly in a flock.
ये हमारा बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम द लेसन। देर आर फाइव मिस्टेक्स, फाइव मिस्टेक्स हैं ऑफ स्पेलिंग, पांच स्पेलिंग गलत हैं, थ्री मिस्टेक्स ऑफ कैपिटल लेटर्स, और तीन गलतियां की गई हैं कैपिटल लेटर की। करेक्ट द मिस्टेक्स एंड रीराइट द पैराग्राफ। ये पैराग्राफ हमें ठीक करके यहाँ नीचे दिए गए स्थान पर दोबारा लिखना है। मैंने आपको यहीं पर करेक्शन करके दिखाया है, आप इसको नीचे दोबारा लिखेंगे अपनी नोटबुक में। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड ही मैंने देखा सडनली, तो सडनली की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर लिखेंगे SUDDLY, सडनली। Suddenly a swan fell in front of him. It flapped. तो यहाँ पर flapped की spelling भी गलत है। इसकी क्या spelling होती है? FLAPPED, flapped. Its wings but unable to overcome its pain. It lay still. सिद्धार्थ का देखिए यहाँ पर s small बना रखा है। एक तो ये sentence start हो रहा है यहाँ पर नया sentence, और एक ये प्रॉपर नाउन है, किसी का प्रॉपर नेम है, तो किसी के नाम का और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर का कैपिटल होता है। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पीटी, यहाँ पर सेंटेंस समाप्त हो जाता है, उसके बाद नया सेंटेंस, और नए सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर भी स्मॉल बनाया है, तो यहाँ पर ही कैपिटल से एच आएगा, कैपिटल एच आएगा। रैन टू द पुअर क्रिएचर, यहाँ पर क्रिएचर की स्पेलिंग गलत है, CREATURE, क्रिएचर। इट वॉज हिट बाय एन एरो, देयर, यहाँ पर देयर की स्पेलिंग गलत है, इस देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, और यहाँ पर सेंटेंस के लिए आएगा देयर। There was blood in its wings. Prince, ये भी prince है, sentence start होता है और proper noun है, तो यहाँ पर P capital आएगा। Prince Siddharth took out the arrow from its body from very gently. Very gently, यहाँ पर gently की spelling गलत दी गई है। gently की spelling क्या होती है? GENTLY, gently, and cleaned its wound. तो यहाँ पर जो mistakes थी उनको correction करके, उनको ठीक करके आपको ये paragraph दोबारा notebook में लिखना है।